नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के करंट अफेयर्स के इस वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में रिवीजन के लिए तीन क्वेश्चन पूछूंगा जिसके आंसर आपको देना होगा। साथ ही साथ में आप आज के वीडियो का जो पीडीएफ है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है, ये आप मेरी वेबसाइट पर देख सकते हैं। 21 अक्टूबर का करंट अफेयर्स, बाकी दिनों के पीडीएफ भी आपको यहीं पर मिल जाएंगे। वेबसाइट का नाम आपको पता होगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, sarkarijobnews.co। इसके अलावा मैं अनअकैडमी पर सौरभ गुप्ता नाम से पढ़ाता हूँ, साथ ही साथ में मेरे अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा जहाँ से आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। आज के सबसे पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं जो कि है एक अवार्ड के ऊपर। क्वेश्चन क्या बना है वो समझना। कॉर्नॉट पुरस्कार 2018 किस भारतीय को दिया गया है, एक बार नाम फिर से समझ लेना। कॉर्नॉट पुरस्कार 2018 किस भारतीय को दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीयूष गोयल को ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पीयूष गोयल की फोटो मैं आपको दिखा देता हूँ सो दैट आपको लंबे समय तक चीज़ें दिमाग में बैठ जाएं। पीयूष गोयल को ये अवार्ड मिला है। इसमें पीयूष गोयल को ये जो अवार्ड मिला है वो किस वजह से मिला है, वो मिला है इन्होंने जो ग्रामीण विद्युतीकरण के क्षेत्र में काम किया था उसकी वजह से इनको ये अवार्ड दिया गया है। और ये पुरस्कार दिया किसके द्वारा जाता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो है ईवी लीग विश्वविद्यालय पेंसिल्वेनिया से प्रतिष्ठित कॉर्नॉट पुरस्कार प्राप्त होगा। साथ ही साथ में ये जो पुरस्कार हैं ये ऊर्जा नीति में विशिष्ट योगदान के क्षेत्र में दिए जाते हैं, इसी वजह से इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए पीयूष गोयल को कॉर्नॉट पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। अब पिछले 2-3 महीनों में जो भी इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स हैं उन पर एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जैसे द वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2018 ये पुरस्कार मिला है मार्सेल वैन ओस्टन को। साथ ही साथ में इसी अवार्ड का जो जूनियर कैटेगरी है यानी कि जूनियर श्रेणी का वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर ये मिला है पंजाब के रहने वाले 10 साल के अर्धदीप सिंह को। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति पुरस्कार दिया गया है सुहेल टंडन को। साथ ही साथ में हृदयनाथ पुरस्कार दिया गया है मोहम्मद जहूर खयाम हाशमी को। 2018 का मैन बुकर पुरस्कार दिया गया है एन्ना बर्न्स को। तो ये इंपॉर्टेंट अवार्ड्स थे जो हम लोगों ने रिवीजन कर लिए हैं। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग एम करते हैं 4000 लाइक्स का, तो देखते हैं हम लोग इस लाइक्स के टारगेट को कितना जल्दी अचीव कर पाएंगे। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष के रूप में सज्जन जिंदल को चुना गया है। यहाँ पर दो चीज़ें दिमाग में बिठा लो कि स्टील का वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन है यानी कि पूरे वर्ल्ड में जो स्टील को लेकर काम हो रहे हैं, जो भी इंडस्ट्री सेटअप हैं उन सबका एक ये फोरम बना हुआ है, ठीक है, उसके कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं सज्जन जिंदल। अब यहाँ पर ये नाम आपको याद कैसे रहेगा, देखो कोषाध्यक्ष का मतलब है जिनको सारी जिम्मेदारी दी जाए। कोषा मतलब होता है जैसे किसी रेवेन्यू से रिलेटेड कोई चीज़ होती है तो उसको बनाया जाता है कोषाध्यक्ष। तो यहाँ पर सज्जन का मतलब होता है बहुत सीधे हैं, ईमानदार हैं, तो ये बहुत सीधे ईमानदार हैं, सज्जन हैं, इसी वजह से तो उनको कोषाध्यक्ष बनाया गया है। इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं। इनका फोटो भी दिखा देता हूँ मैं सज्जन जी का, सज्जन जिंदल का। साथ ही साथ में ये जो एसोसिएशन है द वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन ये ब्रसेल्स यानी कि बेल्जियम में इसका मुख्यालय है और ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, 1967 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। आगे चलते हैं, युवा ओलंपिक 2018 भारत ने कुल कितने पदक जीत लिए हैं, तो युवा ओलंपिक 2018 में भारत ने कुल मिलाकर 13 पदक जीत लिए हैं। कितने जीते हैं, 13 पदक भारत ने जीते हैं। आगे चलते हैं, ये जो युवा ओलंपिक है कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था, इसको ऑर्गेनाइज किया गया था अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में 6 से 18 अक्टूबर को इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। साथ ही साथ में भारत में इसमें कुल मिलाकर 3 स्वर्ण पदक, 9 रजत पदक और 1 कांस्य पदक की मिलाकर 13 कुल पदक भारत ने जीते हैं। अगला प्रश्न है, युवा ओलंपिक 2018 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा भारत जो है वो पदक तालिका में 14वें स्थान पर रहा है। 13 पदक जीते हैं भारत ने और वो 14वें स्थान पर है, 13 और 14 से आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। आगे चलते हैं,
यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, अगर भारत यहाँ पर 14वें स्थान पर रहा है, नंबर वन पर कौन है, नंबर वन रहा है 59 पदक के साथ में रसिया, दूसरे स्थान पर रहा है जापान जिसने 39 पदक जीते हैं। तो ये इस बार का इसका लोगो है, ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। हाल ही में भारत के किस राज्य में काती बिहू नामक महोत्सव मनाया गया है? तो ये जो काती बिहू नामक महोत्सव है इसको मनाया गया है असम में। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, असम सरकार के द्वारा ये महोत्सव मनाया गया है। इस महोत्सव में जो फसल होती है उसकी पूजा की जाती है, और ये असम का तीसरा बिहू त्यौहार है, जिनमें से जो पहले दो बिहू त्यौहार थे उसको काती बिहू के नाम से, वो जो पुराने दो बिहू त्यौहार थे वो थे रोंगाली बिहू और बोहोगी बिहू, ये उनके नाम थे। इसके अलावा ये काती के महीने में लास्ट में मनाया जाता है, इस वजह से इसका नाम काती बिहू रखा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, असम की बात यहाँ पर हुई तो असम की राजधानी है दिसपुर, मुख्यमंत्री का नाम है सर्बानंद सोनोवाल, गवर्नर का नाम है जगदीश मुखी, और असम के नेशनल पार्क बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखो, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क, डिब्रू सौखोवा नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क असम में स्थित हैं। असम के लोकप्रिय हवाई अड्डों की बात करी जाए तो हो जाएगा गोपीनाथ बोरडोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, डिब्रूगढ़ हवाई अड्डा, जोरहाट हवाई अड्डा, तेजपुर हवाई अड्डा और सिलचर हवाई अड्डा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हवाई अड्डे हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है SME, फिर से समझना, SME 8वीं यूरोपीय कांग्रेस कहाँ पर आयोजित की गई है? तो देखो SME, सबसे पहले SME का मतलब समझो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस इसको बोलते हैं, SME का फुल फॉर्म स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। उस पर जो 8वीं यूरोपीय कांग्रेस है इसको कहाँ पर इस ऑर्गेनाइज किया गया है? तो यहाँ पर देखो दोस्तों, इसको पोलैंड में ऑर्गेनाइज किया गया है, ये ऑप्शन एडिट करने पड़ेंगे, ऑप्शन यहाँ पर गलत टाइप हो गया है, पोलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, ये इसका फोटो है जिसमें आप देख सकते हैं यूरोपियन कांग्रेस जिसको बोलते हैं, और ये 8वां एडिशन था, और इसको SME यानी कि स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस इसको बोला जाता है। तो इसका इस बार का जो आदर्श वाक्य था इस कांग्रेस का वो था, अर्थव्यवस्था के लिए विज्ञान व्यापार स्व सरकार एक साथ, ये इस बार का इसका जो कह सकते हो मुख्य वाक्य है, और पोलैंड में ऑर्गेनाइज हुआ था, तो पोलैंड की राजधानी वारसा हो जाएगी और मुद्रा हो जाएगी पोलिस ज्योति यहाँ की मुद्रा हो जाएगी। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, ग्लोबल पार्टनर्स फोरम के चौथे संस्करण की मेजबानी कौन देश करेगा? तो ग्लोबल पार्टनर्स फोरम के चौथे संस्करण की मेजबानी करेगा भारत, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ, ग्लोबल पार्टनर्स फोरम के चौथे संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? भारत। अब यहाँ पर देखो, ग्लोबल पार्टनर्स फोरम इसका मतलब हुआ कि ग्लोबली इंटरनेशनल लेवल पर जो आपस में पार्टनरशिप होती है उस चीज़ पर यहाँ पर डिस्कशन किया जाता है, जो कि भारत में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इसका फोटो भी आप देख सकते हैं, पार्टनर्स फोरम 2018 न्यू दिल्ली इंडिया। साथ ही साथ में जितने भी इंटरनेशनल रिलेशनशिप होते हैं अलग अलग देशों के बीच में, जितनी भी पार्टनरशिप होती हैं, कोलेबोरेशन होते हैं, उन सब चीज़ों पर यहाँ पर डिस्कशन किया जाता है। इसके अलावा आगे चलते हैं, किस देश ने वर्ष 2022 तक स्ट्रीट लाइट के स्थान पर 3 चंद्रमा प्रक्षेपित करने की योजना बनाई है? दोस्तों आप सोच सकते हैं साइंस कितना आगे बढ़ चुकी है कि चाइना ने, ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, चाइना ने क्या किया है? चाइना ने, जब ये न्यूज़ मैंने देखी थी तो मुझे खुद बिलीव नहीं हो रहा था, चाइना ने अब चंद्रमा जो होता है मून, आर्टिफिशियल मून लॉन्च करने की योजना बनाई है, जो कि 2022 तक ये लोग इसको पूरा कर लेंगे। आप देख सकते हो, आप खुद से सोच के देखो, शहर के बीचों बीच में अगर आपको आर्टिफिशियल चंद्रमा दिख जाए तो आपको कैसा फील होगा, यानी कि साइंस का बहुत चमत्कार मानेंगे इसको। तो 2022 तक इसको करने के लिए उन्होंने प्रस्तावित रखा है। भारत में प्रस्तावित विश्व की सबसे ऊंची रेल लाइन निम्नलिखित में से किन दो जगहों को जोड़ेगी? तो देखो, एक चीज़ समझना यहाँ पर, एक तो ये सबसे ऊंची, वो भी विश्व की,
ना केवल इंडिया की, विश्व की सबसे ऊंची लाइन है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यहीं से हो गया। ये बनेगी विलासपुर और लेह के बीच में, ठीक है? कहाँ बनेगी? विलासपुर और लेह के बीच में बनेगी सबसे ऊंची लाइन। तो आप देख सकते हैं इसको भारत 2022 तक बनाने की योजना बनाई गई है। इस योजना के तहत विलासपुर से कुल्लू मनाली होते हुए लेह तक ये लाइन पूरी बनाई जाएगी, जिसकी लंबाई होगी 465 किलोमीटर, ठीक है? कुल मिलाकर खर्चे की बात की जाए तो 83,360 करोड़ रुपए यहाँ पर पूरे लगेंगे। तो एक बार फिर से देख लेना, विश्व की सबसे ऊंची जो रेल लाइन बनाने की योजना बनी है वो बनी है विलासपुर लेह के बीच में। अगला है, विश्व रेसलिंग चैंपियन 2018 की शुरुआत किस देश में हुई है? तो विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप 2018 की जो शुरुआत है ये हुई है बुडापेस्ट में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, बुडापेस्ट में इसको ऑर्गेनाइज करने की योजना बनी है। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं इसका लोगो, वर्ल्ड चैंपियनशिप बुडापेस्ट 2018। ये फोटो जरूर देख लिया करो, चीज़ें दिमाग में बैठ जाती हैं। बुडापेस्ट हंगरी में विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप शुरू हो गई है। एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता बजरंग पूनिया जो हैं वो भारत की तरफ से सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार के तौर पर भेजे गए हैं। तो ये तो थे दोस्तों आज के क्वेश्चन। अब शुरू करते हैं आज की क्विज, देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन देता है। करंट अफेयर्स का रिवीजन आपका बहुत अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन है, अंत्योदय योजना के तहत भारत का सबसे विकसित गांव कौन सा घोषित किया गया है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा पुराना है, इसमें है कि अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस किस दिन मनाया गया है? जल्दी से कमेंट। ये वाला क्वेश्चन भी ओल्ड है, निम्नलिखित में से किसे इंडिया सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इन तीन क्वेश्चन का आप आंसर दोगे तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन देता है।